वेलकम बैक टू द चैनल मैं एक ऐसी वीडियो बनाना चाहती थी जिसमें अगर आप में से कोई भी गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि इंडिया में कौन से गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं और वो पूरे साल में कब कब कंडक्ट होते हैं तो इस वीडियो में मैं आपके साथ गवर्नमेंट एग्जाम्स का एक कैलेंडर शेयर करूंगी ब्रॉडली हम छह तरह के कम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करेंगे जो गवर्नमेंट जॉब्स दिलाते हैं जो की आपकी स्क्रीन पे भी है सबसे पहले एग्जाम्स है यूपीएससी एग्जाम्स जिनके बारे में आपने सुना ही होगा लेकिन हम यूपीएससी में भी फर्दर टू बाईफोकेशन डिस्कस करें जिसमें से पहली है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इसके थ्रू आप इंडिया के 24 जॉब्स के लिए एलिजिबल होते हो जिनको बाइफ किया जाता है इनटू थ्री पार्ट्स सबसे पहली होती है ऑल इंडिया सर्विसेज जिसमें आई आईपीएस और आईएफएस आते हैं उसके बाद होती है कुछ सेंट्रल सर्विसेज जिनको हम ग्रुप ए की जॉब्स भी कहते हैं इसके अंदर बहुत सारे टाइप की सर्विसेज होती हैं। फॉर एग्जांपल डिफेंस पोस्टल रेलवे रेवेन्यू बाकी की सारी आपके सामने है ग्रुप बी की जो जॉब्स होती हैं वो थोड़ी सी स्टेट स्पेसिफिक सर्विसेज होती हैं जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस और दिल्ली और पाण्डीचेरी की पुलिस एज वेल एज सिविल सर्विसेज अब ये तो हो गया सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से मिलने वाली जॉब्स अब हम बात करते हैं कि इसका कैलेंडर किस तरह से दिखाई देता है सो so, ये एग्जाम पूरे साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है ये एग्जाम की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है अराउंड दी मंथ ऑफ फिव इसकी फर्स्ट राउंड जिसको प्रिलिम्स राउंड बोलते हैं वो होता है मे या जून में एंड जो सेकंड राउंड होता है मेन्स राउंड वो होता है सेप्टेंबर में प्लीज नोट की ये रफ एस्टिमेट हैं क्योंकि जैसे कोविड के टाइम पे ये डेट्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो गई थी इससे आपको एक फेयर थीडिया लग जाएगा कि आपको नोटिफिकेशन का वेट कब करना चाहिए अब हम बात करते हैं यूपीएससी के टाइप के exam के एग्जाम 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 की जिसको बोलते हैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज इस थ्रू इंजीनियर्स क्लास वन ऑफिसर्स की तरह हायर किए जाते हैं इसके अंदर भी फर्दर बाइफिकेशन होती है जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो पावर टेलीकॉम वॉटर रेलवे इसी तरह एक और शीट मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ इसमें

PO an and Clerk and IBPS PO and SO exam. आरबीआई का ग्रेड बी एग्जाम काफी ज्यादा लोग देते हैं और इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है मार्च से लेकर जुलाई के बीच में ये एग्जाम दो फेजेस में होता है तो फेज वन और फेज टू टोटलिकल एग्जाम इनकी रजिस्ट्रेशन काफी हद तक आसपास ही होती है क्लेरिकल वाली थोड़ी सी पहले रिलीज हो जाती है ये भी पूरे साल में जनरली एक बार ही कंडक्ट होते हैं इनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है सेप्टेम्बर में इसके बाद प्रिलिम्स राउंड होता है विच इज इन नवंबर एंड फिर मे राउंड होता है इज इन इन और जनवरी अब बात करते हैं IBPS की IBPS पूरे साल में एक बार एग्जाम कंडक्ट करती है टू हायर पब्लिक सेक्टर और रूरल बैंक के लिए न्यू रिक्रूट इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है ऑगस्ट के मंथ में प्रिलिम्स हो जाता है सेप्टेम्बर अक्टूबर में एंड मेन्स एग्जाम होता है नवम्बर में नेक्स्ट इज रेलवेज रेलवे के एग्जाम्स आर आर बी कंडक्ट करती है विच इज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मेजरली इसके पांच एग्जाम्स हैं जिसमें से सबसे फेमस एग्जाम है एन का वैसे तो जनरली ये एग्जाम पूरे साल में एक बार ही कंडक्ट किया जाता है बट इट डिपेंड्स ऑन वैकेंसीज अगर वैकेंसी होती है तभी एग्जाम कंडक्ट होता है इसकी रजिस्ट्रेशन डेट काफी ज्यादा वेरी की है ड्यू टू कोविड तो मैं आपको दो सेपरेट कैटेगरीज एक्सप्लेन करती हूँ रिसेंटली एग्जाम की रजिस्ट्रेशन हो रही है फ्रॉम मार्च टू अप्रैल फिर इसका स्टेज वन होता है डिसम्बर जुलाई ऑफ द नेक्स्ट ईयर एंड इसका नेक्स्ट स्टेज स्टेज टू होता है मे टू ऑगस्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर अब मैं आपको सेकंड रेफरेंस दे रही हूँ विच इज 2015 टू 16 का रेफरेंस यानी कि प्री कोविड उस समय इसकी रजिस्ट्रेशन हुआ करती थी दिसंबर में स्टेज वन होती थी मार्च से लेके मे में एंड स्टेज टू होती थी नेक्स्ट ईयर के जनवरी में अगली कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं डिफेंस एंड आर्म्ड फोर्सेस एग्जाम्स ये गवर्नमेंट के डिफेंस एज वेल एज मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो हायरिंग होती है उनके लिए एग्जाम कंडक्ट किया जाता है इसमें जितने भी एग्जाम्स आते हैं वो भी आपकी स्क्रीन पे मैंशन है इसकी डेट्स भी काफी हद तक चेंज होती है लेकिन जो टॉप फोर एग्जाम्स है उनकी प्रीवियस ईयर यानी कि ट्वेंटी से ट्वेंटी का जो बैच था उसकी रिक्रूटमेंट डेट्स आपके सामने

करूँ फॉर रेफरेंस इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी अप्रैल मई में इसका टीयर वन यानी कि फर्स्ट राउंड कंडक्ट होता है जुलाई मंथ में एंड टीयर टू कंडक्ट होता है अक्टूबर में अब फाइनल कैटेगरी ऑफ वो सारे गवर्नमेंट जो इस लिस्ट में mention नहीं थे यानी कि अदर एग्जाम इसमें काफी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम आते हैं जैसे की स्टेट पी एस सी एल आई सी डब्ल गेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एग्जाम एंड मेनी अदर्स जो कि आपकी स्क्रीन पे मेंशन है इन सारे एग्जाम्स के बारे में और अच्छे से जानने के लिए आप दो तीन वेबसाइट्स रेफर कर सकते हो जिनको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी आई ट्रूली होप की आपको हेल्प करे। एक्चुअली में ये वीडियो, वीडियो इसलिए बनाना चाहती थी क्योंकि इस चैनल को देख रहे बहुत सारे एक्सपीरियंस गवर्नमेंट एग्जाम एक्सपीरियंस भी होते हैं सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी नेक्स्ट टाइम